नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं गांव मवई और हमारे साथ एक छोटी गुड़िया खड़ी है। क्या नाम है बेटा आपका? वंशिका। वंशिका हमारे साथ हैं, वंशिका चौहान हैं? वंशिका चौहान। वंशिका चौहान हमारे साथ हैं और कहते हैं कि ईमानदारी जिंदा है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इसी जगह पर, कितनी देर पहले की बात है ये वंशिका? ये एक वो 8 बज रहे थे उस टाइम पे। 8 बज रहे थे। अच्छा, हुआ क्या था वो बताओ, थोड़ा सा नजदीक लाके दिखा दें। हम यहाँ से जा रहे थे वो अपने दूसरे वाले घर, तो क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ पे एक चीज दिखी, मुझे लगा कोई पत्थर होगा, पर मैंने देखा तो पर्स था। हाँ। अच्छा, फिर तो मैंने उठा के देखा तो मम्मी ने बोला कि अभी घर चल के देखते हैं और उस आईडी पे आधार कार्ड पे उनका नंबर लिखा होगा तो उनके पास कॉल करेंगे। ठीक है, तो उसमें पैसे भी थे? हाँ, उसमें वो देखा तो पैसे थे। तो मम्मी, कितने पैसे थे? वो थे 24,600 रुपीस थे। काउंटिंग आती है आपको? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6th क्लास में। 6th क्लास में पढ़ती हैं, तो काउंटिंग की। फिर तो क्या बोलते हैं, तो फिर हमने इतनी सारी जांच करी, फिर आपके पास भी कॉल करा था, तो फिर कोई फोन नंबर था, पापा परेशान होते, फोन नंबर इस पे मिला के देखिए, हमने मिला के देख रहे थे तो वो नहीं लग रहा था, नंबर लग रहा था किसी और का नंबर आ रहा था वो। तो फिर क्या बोलते हैं, इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तब इनको पता चला। अच्छा, हमारे साथ वो मालिक भी हैं जो उस पर्स के मालिक थे और जिनके वो 24,000 रुपए थे उस पर्स में और कुछ जरूरी दस्तावेज भी थे। जी मोहित जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, मैं वैसे लोकल में फरीदाबाद में ही रहता हूँ। ये मेरा मामा का घर है जहाँ पे आईडी मेरी सारे प्रूफ बने हुए हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो मैं वैसे रहता तो यहाँ पे पल्ला की तरफ में हूँ। अच्छा। हाँ जी सर, और उस मेरा कैसे गिर गया ये पर्स, कैसे गिर गया? मैं यहाँ पे हमने गाड़ी ही खड़ी करी थी, गाड़ी में से जैसे मैं उतरा तो उस गाड़ी में से उतरा तो मेरे जेब में से वो पर्स निकल के गिर गया जिसमें पैसे थे 24-25 के समथिंग थे। 24,600। हाँ, जो भी मैंने, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, तो लड़की ने बताया 24,600 के समथिंग थे। तो मैं आधे घंटे बाद मुझे पता चला कि मेरे पैसे गुम हो गया, तो मेरे तो जान ही निकल गई थी, पैसे किसी और के थे, किसी को देने थे, तो ढूंढा ढांडी करने पे अपने भी हो तो भी 24,000-25,000 रुपया कम तो नहीं होता है, और बहुत सारे लोग पूरे महीने में नहीं कमा पाते हैं। इस फरीदाबाद शहर में 85% जो आबादी है पूरे महीने श्रम करती है, तो 25,000 रुपया नहीं मिलता है। हम भी मैं भी इसी वर्कर ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी इतनी अच्छी खासी सैलरी होगी, किसी को पैसे देने थे, किसी के थ्रू आए हुए थे, तो मैं बस बाई पोस्ट का काम कर रहा था एक तरीके से, तो गिर गए तो मेरे ऊपर तो चूना ही लगना था, तो घबरा गया था सर। ढूंढा डांडी में पता चला ये वीडियो की निकाली तो इसमें सीसीटीवी फुटेज। और सबसे बड़ी बात वही कहें, फरीदाबाद वही आँख जो आँख पलक नहीं झपकाती है, जिस आँख की पलक नहीं झपकती है वही सीसीटीवी फुटेज, वहाँ से उन्हें मदद मिली। तो आपको पता चला कोई बच्ची उठा के ले गई? हाँ, हमें पता चला कि एक बच्ची है और 2-3 लेडीज हैं, तो हम बच्ची को आइडेंटिफाइड करने लगे लोकल बंदों से, तो किसी को पता नहीं चला, फिर भैया ही आए हमारे मेरे यार दोस्तों के पास में। क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास चौहान है। विकास चौहान जी, हाँ, मैं अपने विकास चौहान जी ने तमाम सोशल मीडिया जितने जर्नलिस्ट हैं उन सबको कॉल कर दिया और सबकी साइट्स पर वो खबर चमकने लगी, वो गड्डी दिखने लगी सब पर, वो जो 25,000 के नोटों की गड्डी थी वो दिखने लगी, तो फिर आपको पता चल गया कि इनके पास है। हमें पता चला तो फिर जान में जाना ही। तो फिर आपने अपनी पहचान बताई कि आपके जो दस्तावेज मेरे में एक आधार की वो सारे सामान डॉक्यूमेंट और प्लस में मेरे 25,000 रुपये वो थे, 25,000 रुपये भी थे। हाँ, समथिंग। तो आपने अपनी पहचान और उन्होंने आपको कब पर्स दे दिया? हाँ, मैंने मिल गया पर्स, उन्होंने वेरिफिकेशन तो करना जरूरी है, पूछा सारा कुछ कि भाई क्या क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, पर्स में कितने पैसे हैं, तो लगभग इन्होंने 24-25 हज़ार के आसपास बताए थे अप्रोक्स में। फिर इन्होंने बताया थी पैन कार्ड है वो कहीं से टूटा हुआ है, तो वैसे ही था। फिर मैंने इनसे एड्रेस पूछा तो एड्रेस भी फिर इन्होंने एग्जैक्ट वही बताया था। फिर उसके बाद फिर मैंने आपको फ़ोन करना ठीक समझा, क्योंकि मैंने पहले आपसे पहले मैंने इनको ढूंढ लिया था, मतलब मैंने मन कर कोई किसी का होगा तो मिल जाएगा, जब मेरे को नहीं लगा तो मैंने सोचा फिर सौरभ भाई को बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं बच्ची को पर्स मिला, 25,000 रुपये थे उसमें, 24,600 रुपये थे उसमें, और वो सही मालिक तक पहुंच गया है फरीदाबाद। और छोटे बच्चे कहते हैं कि बच्चे मन के निश्चित रूप से वो जो सत्यता है और एक सच्चाई है वो अभी भी जीवित है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।